बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी मेरे देखने वाले बहन भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ख्याल खैरियत से होंगे जी। तमाम देखने वाले बहन भाइयों को मेरी तरफ से जो है ना वो बहुत बहुत जो है ना उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शायद वो ये समझते होंगे कि मुबारकबाद मुबारकबाद की अभी तो कोई बात नहीं है, तो लेकिन इंशाल्लाह जल्दी कोई ना कोई इंशाल्लाह सरप्राइज़ मिलेगा, तो वो भी बहुत जल्दी। एक ज़बरदस्त खुशखबरी होगी। तो चलें जी, इसी के साथ ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। और जिन बहन भाइयों ने अभी तक बेल का बटन नहीं प्रेस किया वो जल्दी से बेल का बटन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो उन तक बरवक्त पहुंच सके जी। अब देखते हैं कि बेगम साहबा क्या कर रही है, तो चलते हैं उनके पास और जी ब्लॉग आगे बढ़ाते हैं। हाँ जी, दसो क्या बात है, की गल? अच्छा जी, एलबम की फ्रॉक सिलाई की सी मैं, तो कल दिन पापा शहर गए थे, मैं पापा शोर ना कर। अच्छा थोड़ा सा ऊंचा बोलो, नहीं आवाज जाती, माइक ला के देना पड़ता है। मैं क्या माइक मुझे परचेज करना पड़ेगा। अच्छा जी, तो नीचे है, मैं फ्रिज भी बनाई है, बाजुओं वास्ते मैं एक बाजू की पैकिंग घर ब्लैक पई सी, एक दी मंगवाई सी, मैं कहा चल तो एक दी जड़ी ते घर पई ओदा नाल चक के आ गई, ओदे रस्ते सी ठीक। हुण फिर सुन, तूने मैंने बताया वीडियो में, मैंने बताया। तूने क्या बताया? मैंने बताया था क्या? अमर ने कहा कि अदन कल गई है बाजार, तो इसको पैकिंग दी के इस तरह की पैकिंग लेके आनी है, तो अदन ने रस्ते में ली एक दी जी, लेकिन मुझे नहीं लगता इसके पास ये यहीं कहीं भूल गई होगी। नहीं, लेकर गई है ये, मेरे मैंने इसे खुद पकड़ाई है। कहाँ जा रहा है बाप ने? झूठे, ये वाला फ्रॉक मैंने अदन का बनाया, कैसा बना? अच्छा, एक आप ही कह रही थी कि अदन को ना शलवार कमीज बना के दे फ्रॉक, अब बड़ी होगी। अब शलवार कमीज अदन को बिल्कुल पहनी अच्छी नहीं लगती। दूसरी बात ये कि अदन ने सिर्फ एक बार कमीज पहनना है, सियान छोड़ दें। अच्छा, एक बार अदन ने कमीज पहना है, यहाँ से सारी फाड़ पड़ गई कमीज, आए मतलब सारी फाड़ देती है ना, मतलब फटती नहीं, अभी यहाँ से खुली होती है ना। अच्छा अच्छा, इसलिए हम इसकी फ्रॉक बनाती हैं। अच्छा, ये कितना प्यारा कपड़ा और कितने यानी कि खूबसूरत लग रही है ये, एक तो डिजाइनिंग है। वैसे मैंने लिया था 250 का पीस या 200 का। अच्छा, तो वैसे ये शर्ट का कपड़ा 600-700 का आता है। अच्छा, ये देखिए कितना प्यारा, नहीं बहुत प्यारा जो है ना ये बना है। ये बटन भी मैंने पहले से ही लिए हुए थे, ये वाले जो मैंने लगाए हैं, नजर आ रहे हैं, बहुत प्यारा, यकीन करके जाए। ऐसे ऐसे सारा हाल आ रहे हैं, पीछे से बोल के बता। कैसे कैसे? हाँ जी, वो कहते हैं कि दो धड़ी का सिर तुम हिला सकते हो, तो पाइया अद पा की जबान नहीं तुम हिला सकते। अच्छा जी, ये अदन का बहुत प्यारा फ्रॉक बना है, बाजू मुकम्मल होने वाले हैं, तो मैंने सिर्फ 1 मीटर पैपिंग में मंगवाई थी, एक बाजू खिला थी। नहीं, अगर आप 2 मीटर मंगवा लेती कौन सा आपको? मुझे ये नहीं पता था कि जो मेरी घर में पड़ी है वो आप लोग साथ ले जाओगे और रस्ते में कहीं गिरा दोगे। मैंने तो 20 रुपए बचाए हैं, वो भी मेरे पास, आप ये भी किसी काम का नहीं है 20। ये देखिए, मैंने जो ज़्यादा ज़रूरत थी वो मैंने मंगवाई नहीं है, मैंने कहा इधर से मिलती नहीं है, चौकान से ये 10 रुपए मीटर मिल रही है और यहाँ से ये 20 रुपए देती हैं। सही, तो मैंने तो सिर्फ रेड और पिंक वैसे ही मंगवाई है, किसी भी सूट के साथ मैच हो जाती है, तो एक बंदा अपने घर से लगा लेता है। ये 10 मीटर उधर से 100 रुपए की आई होगी और यहाँ से 200 रुपए की मिलती है। फिर इन्होंने वो जो इनका डीजल पेट्रोल लगता है, इन्होंने वो लेना नहीं है? कहाँ से लगता है डीजल पेट्रोल? उनको भी तो लगता है। मैंने वो उस भाई को कहा, मैंने कहा कि आप इस तरह करें कि मुझे ये रेट मुनासिब लगाए, नहीं तो मैंने भी दुकान जो है ना बना लेनी है, लैस और नलकी वगैरह ये सब ना मैं रख लेनी है, तो मैं भी फिर गांव में जाके माइयों को जो है ना वो खुश हो गए। अच्छा अच्छा, पता नहीं रिजल्ट भी आ रहा है। अच्छा, बहुत प्यारा जी, बहुत प्यारा, माशाल्लाह इतना प्यारा जो है ना वो स्टिच हुआ है। मैं कहता हूँ कि अदन के इतने प्यारे कपड़े, मुझे फिर वो बात याद आ गई
जो हमारे बिल्कुल हमसाए हैं, उन्होंने कहा कि अदन कितनी खुश नसीब है कि इसकी मम्मा इसको इतने इतने प्यारे कपड़े स्टिच करके देती है। बहुत ही जो है ना जी, अदन बहुत ये मेरा लकी है। जैन छोड़ दी मेरा दुपट्टा। जैन मुझे कैसे लग रहा है? वो भाई छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। किधर जैन है? हमारे फिल्टर मांग रहे थे वीडियो तो। और ये भी ये वाला। अच्छा जैन ये भी कितना प्यारा, ये भी कितना प्यारा जो है ना वो फ्रॉक बना है। अदन बहुत प्यारे अदन, ये इसके बाजू मैंने इस तरह बनाए हैं, थोड़े से छोटे बन रहे थे, फिर मैंने थोड़े से फ्रिल लगा के ना इस तरह लंबे कर लिए। नहीं बहुत प्यारे अदन के तो इतने प्यारे कपड़े अदन, अगर मेरा बस चले अदन के बहुत प्यारे कपड़े बने हैं। और ये मेरा। अच्छा आप ना दिखाएं। वाह भाई वाह, जबरदस्त जबरदस्त। प्यारे प्यारे अपने सी लेती हैं। और और जियान ही बड़ा जिहड़ा ना चलाक होया होया मेरे बड़े बेटे नू जिहड़ा ना पटाई लगाउंदा जियान, आ थाड़ करके मारिया ऑल ए ओ देख ला, देख देख दे मेरा कमीज दिखा, लड़ाई कर दे। मां छोड़ दे बेटा, छोड़ दे मां, छोड़ दे उसे गुस्सा। ये भी मुझे छोड़ा। ये देखिए। अच्छा ये मैंने कट वर्क बनाई है घेरे पे, नजदीक से दिखाएं ना जरा जी। ये देखें। अच्छा और गला मैंने इस तरह का बनाया और गले पे भी कट वर्क बनाई है और बाजू में भी मैंने कट वर्क बनाई। पहली बार मैंने इस तरह का सूट सिलाई किया है कट वर्क वाला, लेकिन टाइम काफ़ी लगता है। 3 दिन में मैंने एक कमीज सिलाई की है। बहुत प्यारा। तो ये पहनना कब है? अगले साल पता है कब पहनना है। अच्छा जाना है मैंने कहीं भी पहनना। अच्छा तो मुझे बता देना। अच्छा जी ये मैंने अपना एक सिलाई किया, थी मदन बेटी के सिलाई की, ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह ये भी अब और पैकिंग मंगवाएंगे तो फिर पूरा होगा। ये वाला कमीज तो पंखा हमने बंद किया हुआ, फिर वीडियो बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है पंखे के बगैर। तो यहाँ फ्रिज आया साफ किया है, तो ये वाले साथ वाली आई थी वो भांजी लगती है, वो कह रही थी मम्मी ये कितने प्यारे लग रहे हैं ये जो अपने बालों से लगाए हैं ये वाले। अच्छा ये सिर्फ मैंने खुद बनाई है ये सारे ना, बने बनाए भी नहीं, मैंने खुद बनाए। सही हाँ जी है, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है तो आज हमारे मतलब सीढ़ियों का काम, जो सीढ़ी पर मकान बनना वो मिस्त्री भाई बना रहे हैं, तो जिस दिन मिस्त्री भाई को छुट्टी हुई तो बज गए, कह रहे थे कि आप चक्कर लगा लें, मैंने कहा इंशाल्लाह चक्कर लगाएंगे, लेकिन नहीं आ सकते। और हमारा को भी मैंने फोन पे पूछा रात, उसे मैंने कहा कि हमने आपके घर नहीं आ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, आपके ना तबीयत के बारे में मैं फ़ोन पर पूछ लूँगी। उसने कहा चले ठीक है बस कोई बात नहीं, आप अपना काम मिस्त्री भाई से ख़त्म करवाएं आप, बस ठीक है। फ़ोन पे भी वही फ़ोन पे भी बात हो जाती है, पता चल जाता है, और घर आके भी कोई ज़्यादा बंदा ठीक तो नहीं कर देता बंदे को, वही बात होती है, बल्कि उल्टा जो है ना वो चाय पानी ये वो तकल्लुफ देखने वाले बहन बहन फिर कहने के घर से ले जाए बना के, मुझसे नहीं होता इतना काम, मैं तो अपने घर का बड़ी मुश्किल करती हूँ भाई, मुझसे नहीं खाने वाने इतने ज़्यादा, मेरी तबीयत नहीं ठीक रहती, मैं बड़ी मुश्किल से अपना अपने 2-3 बच्चों को बड़ी मुश्किल से खाना बनाती हूँ, इतनी इतनी देर से नहीं। किसी का जो है ना वो थोड़ा सा हाथ तेज होता है इस काम में, किसी का थोड़ा सा मोटा होता है। बात नहीं है, मुझे काम बहुत ज़्यादा होते हैं, मैं सारे काम मैंने खुद कर लेती हूँ, बच्चों को देखना होता है, सफाइयाँ करनी होती हैं, सारे घर के काम करने होते हैं, फिर सिलाई भी साथ साथ करनी होती है, इसलिए जो एक ही काम हो फिर बंदा कर लेता है। पहले ठीक है, मैंने काफ़ी सारी बातें भी बता दी और जो कपड़े स्टिच किए हैं वो भी दिखा दिए हैं, अभी इधर दो और दो के लगते हैं, ये मैंने सिलाई करनी है, अपने हैंगर में लटकाए हैं। अच्छा तो बाकी अब आंटी ने पता नहीं क्या कहा था, मुझे भूल गया मैं। अच्छा चले सारा इसको मना करें ना, इसे कहें कि ऐसा ना करें।
अच्छा चलें जी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे यहाँ सुबह का थोड़ा सुबह अब गुजर गया, अब हम मैं जा रहा हूँ। मम्मा पापा कल गए थे शहर और अदन भी साथ गई थी, और वो ना मम्मा ने अदन उससे मम्मा से पैपिंग ले गई थी, और वो रास्ते में गिर गई कहीं, तो और मम्मा कह रही थी मुझे पता था कि गिर जानी थी, इसलिए मैंने 2 मीटर मुकवा लेनी थी, एक बाजू पर एक ही लगनी है, और उसके बाद मम्मा कह रही दूसरे बाजू पर भी लगनी है, जहाँ से यही 1 मिनट हमारे घर पड़ी है ना, मम्मा कह रही है ये तो लग जानी है पूरी एक बाजू पर। अच्छा जी, ये जहाँ से यहाँ से आपको लाइन दिख रही है ना, यहाँ तक ये तो अब उस दिन अतन बना रही थी और अड्डा खटम खेल रहे थे, उनकी कबड्डी खेलना था, और कबड्डी खेलना था, इसलिए अतन ने ये बनाया था। और ये देखें, ये जब जहाँ पर रहते हैं ना कीड़े वगैरह कीड़ियाँ, ये इतना ऐसा का घर बना देती हैं, ऐसे का मिट्टी बना लेती हैं, और इनके ये अंदर जाने का रास्ता। अच्छा जी, और हमने बाहर भी मिट्टी सटवाई है दीवारों के साथ, और यहाँ भी, यहाँ जो सी है इधर भी पड़नी है अभी, और ये जो सी मिट्टी खाली की हुई है ना, ये इधर से लेके दीवारों के साथ ऐसे सटवा दी थी, वो दरवाज़ा नहीं ये वाला दरवाज़ा नहीं वो वाला उस तक सटवा दी थी। और अब हमें ये जो सी दीवार है इसके साथ भी अभी सटवानी है, जो पिछली साइड पर उसके साथ भी सटवानी है। अच्छा जी, ये जो सीटों के ब्लॉक पड़े हैं, मेरे तो दिल करता है इनमें से ना ये जो सी जड़ी बूटियाँ ये निकाल के इधर अभी एक दुकान डाल दें, और ये ईंटें से हम खेलें भी। ये देखें, नीचे ब्लॉक बने हुए हैं, ऊपर थोड़ी थोड़ी ईंटें रखी हुई हैं ये वाली। और ये जो सा हमारा ब्लैक गेट है ना, ये तब आंधी के आने की वजह से ये जो सा अंदर इसमें ये जो सा ये छोटा गेट नहीं है ये वाला, ये टूट गया था और खुला रह गया था, ये टूट गया। इन तीनों के नीचे भी कुंडियाँ नहीं है, वरना ये टूटना ही नहीं था जी। अब हमें पता होता ना ये ईंटों के ब्लॉक हम यहाँ पर ना रखवाते, क्योंकि इधर भी भर्ती पड़ना नहीं थी, एक साथ ही फिर अच्छा लगना था, ये फिर ऐसा अच्छा नहीं लगता, एक साइड पर भर्ती नहीं पड़ी और एक साइड पर वो क्या भर्ती पड़ी हुई है। और जहाँ से हमारी ये वाली निमनी है, ये वाली पूरी ये इनके हवा चले और वो हमने फही धोया हुआ, और ये जो फिर सारी इसके पत्ते उधर आ जाते।